लाख चाहती हो आप लोगों के खातों में? नहीं आए ना 15 लाख? जब जब यहाँ यूपी में एक एक बच्चा पैदा होता है तो आज वो 3.5 लाख कर्जे के साथ पैदा होता है। इतना सरकार ने कर्जा ले लेके यहाँ की जनता को भिखारी बना दिया, गरीब बना दिया। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद ही मायावती के एक ऐलान ने पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार देर रात अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का ऐलान किया, जिसके बाद से उनके भतीजे आकाश आनंद का एक भाषण वायरल होने लगा। इस भाषण में आकाश बीजेपी को खुद कायदे से सुना रहे हैं, भरपूर तरीके से बीजेपी सरकार की निंदा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस भाषण के बाद बुआ मायावती ने अपने भतीजे को सारी जिम्मेदारी से मुक्त किया है। मायावती के इस बयान के बाद बीएसपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, और क्योंकि आकाश ने बीजेपी पर हमला कर दिया है इसलिए मायावती ने उन्हें सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। तो सबसे पहले आप आकाश आनंद के उन भाषणों को सुनिए जिनके कारण ये चर्चा शुरू हुई। सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ भाई, पकोड़े तो चल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? आपको 12,000 रुपए का राशन थमाकर आपके बच्चे से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया इस सरकार ने। आप लोग जो यहाँ की सरकार को तरक्की की सरकार बता रहे थे उसको हम बदतमीजी और गद्दारी की सरकार कहते हैं, बदतमीजी और गद्दारी की सरकार कहते हैं। ये वीडियो बीती 28 अप्रैल को सीतापुर में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार की तुलना उन्होंने आतंकियों से कर दी थी। उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आया था। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहे थे। उनके खिलाफ सीतापुर में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया। यही नहीं, आकाश आनंद को कई बार भीड़ के सामने आपा खोते देखा गया। वो बेहद आक्रामक शैली में भाषण देते नजर आए। वहीं अब चर्चा ये हो रही है कि क्योंकि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और आकाश का ऐसा स्वभाव बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, इसलिए मायावती ने ये कदम उठाया ताकि वो बीजेपी को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। मायावती ने पूर्ण परिपक्वता यानी फुल मायोरिटी के हासिल करने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया है। मायावती ने मंगलवार को देर रात अपने ट्वीट में लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान श्री काशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, इस क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे।